छापेमारी के बीच कोटेदार अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले के पथरा थाना क्षेत्र के खोरिया रघुवीर सिंह गांव में कोटेदार की मनमानी का है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोटेदार ने उन्हें 35 किलो अनाज की जगह पर केवल 24 किलो अनाज दे रहा है। साथ ही कम अनाज देने के मामले पर पूछने पर जान से मारने की धमकी कोटेदार दे रहा है। इस मामले की शिकायत के बाद पूर्ति विभाग के अधिकारी गांव में पहुंचे और लोगों की शिकायत सुनी। साथ ही आश्वासन दिया कि कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है, जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी वह निश्चित ही की जाएगी। साहब, जब राशन आयल ग्राम पे तो हम प्रधान से पूछन बहु राशन कहिया मिली, तो प्रधान कहा था राशन बहन तुम्हें मिली 35 किलो बिहान मिल जाए, बिहान ले लियो। हम कहें ठीक है बाबू, मैं कम दे राशन काहे बाबू, हम गरीब आदमी करो, खेती बाड़ी मेरे है। तब कहा था जौन दिया था जौन ले लियो, और बाकी अब की फ्री आई तो तुम्हें ज्यादा मिली। हम कहें बाबू 7 यूनिट और 7 यूनिट के हमारे बहुत 35 किलो होते तो कहा 24 किलो दिए, तो बाबू 12 किलो चावल 12 किलो दियो। तो मैं धमकी दे था दिनेश, कहा था अगर ज्यादा शिकायत कर तो डाक दे रात बिरात। हम बाबू हम क्या करें बताओ, जैसे कहते क्या सुनते ना है बाबू भैया। दिनेश के हो? दिनेश मौर्या कोटेदार हुए बाबू। दिखवा दिए था लेकिन खड़ा हो जाए तो हमारे आदमी के सब सताई है। क्या सताई है? क्या होने वाले भाई? कौन सताएगा? जन्म है कौन सताएगा? क्या होने जा रहा है? हमारे खेत बारी ना मजूरी कहीं का खाई जी तो लो मिला 7 यूनिट पे हमें मिला 24 किलो। सुखना पति का राम जतन क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत ही है साहब, हम मजूर मेहनत करे थे खाए थे, बाद में कुछ हो जाए तो हमारे आदमी को सब सताई है। कोई नहीं सताएगा हमें, ये दिक्कत है साहब। और हमें कोनो चीज, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे, हम पाल कितना गल्ला देते थे, 28 किलो मिला है नहीं, कल पैसा नहीं लिए बाद में, रात को पैसा दिखा रहे थे। खुद भी अवगत करा रहे हैं और हमें भी दूरभाष से कुछ लोगों की शिकायत मिली थी कि खुरिया रघुवीर सिंह में यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है और घटतौली की जा रही है, की रिपोर्ट हमें मिली थी। एक तो जनता का सहयोग चाहिए सबसे पहले कि वो लोग को 1 मीटर की दूरी बना के लें। इसके लिए मैं यहाँ के जो अच्छे आदमी हैं, जो समाजसेवी हैं, जो सक्षम हैं, उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप लोग भी उनकी मदद करें। अब जहाँ तक रही बात कोटेदार के यहाँ अनियमितता करने की, उस पर मैंने देखा है कोटेदार ने कुछ लोगों को, मैं ये कहूँ कि कुछ लोगों को गल्ला उसने कम दिया है तो ये गलत नहीं है, उसने गल्ला कम दिया है ये बात सही है। इसकी जांच होगी, इस पर रिपोर्ट होगी, इस पर कार्रवाई भी होगी। कुछ लोगों को तो इसी सब के सहयोग के लिए मैं यहाँ पे 2-3-4 लोग सक्षम आदमी हैं जो संपन्न हैं, जो जिनकी बात गाँव वाले सुन भी रहे हैं, मैंने उनसे निवेदन किया है कि वो बैठ जाएं यहाँ पर, थोड़ी मदद करें भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और बाकी आवश्यक कार्रवाई जो कोटेदार के खिलाफ होगी वो हम निश्चित तौर पर करेंगे। हमारा और प्रशासन का, माननीय विधायक जी का, माननीय डीएम साहब का, सबका ये प्रयास है कि सभी को निःशुल्क गल्ला, जिनका नाम सूची में है, जाप कार्ड में है, उनको मिले। और इसके लिए हम लगातार मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए नेशन टीवी न्यूज़। धन्यवाद।